नौजवानों जड़ पहले रात गुजरती जा रही सैयद दान कदे इमाम हुसैन वाल कदे रात या तेरे वाल वेख दियो जड़ पहले रात गुजरती जा रही गुजरती जा रही आसमान वाल वेख के फरमा दिया ने इशाला रात मुहर्रम वाली इसे परियादी थी वे रात मुके ना दिन चढ़े अजे मेरा वीर जुदा ना थी वे सने स्टेज वाले जरा इस तू अहमद रजा समेत जरा बोले वो रमजान शरीफ अपने अबू ना लुमरा करके आवे हूँ जरा इस तू उच्चा बोलिया अज रात सौवे तो खाब कमली वाला ही आ जाए तेरा की जाना जरा इस तू उच्चा बोले अच जाग दिया माफल च हुसैन तो उन्होंने नाने की ज्यादात अता करवा माशाला 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 हूँ काम इतने रखे लंगर हो रहे है कि नहीं है है जी उन्हें पहले लंगर है जी है ते थोड़ा घरों भी खा के आया करो है बंदा सुभान अल्लाह कह जोगा हो जाता है ते जिदी अम्मी ने दस के भेजा तू पले आई हजूर दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह अल्लाह ने रिजा फरमाया या तो हल्ला फुल मुतमाइन ला तुरजी इरजी इला ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللہ نے رجا فرمایا اے نفس مطمئن لو حضرت قاضی ثنا اللہ پانی پتی مجددی فرما دے نے آ فرما دے نے انسان دی اکھ دے سامنے او دی دنیا ہی اجڑ جاوے اس حالت دے اندر انسان نو انج سکون اللہ دی یاد وچ ملے جویں مچھلی نو پانی چ سکون ملدا اے اونوں اطمینان کیا جاندا اے آو ذرا اے ایت نگاہاں دے سامنے رکھیا جے آو ذرا امام حسین دا کربلا دا سفر ویکھنے آ امام حسین دا काफिला मदीने तो मक्के बल जा रहे हो हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे हो काफिला मक्के आया हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे हो काफिला मक्के तो करबला बल जा रहे हैं हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे हैं करबला विच डेरे लग गए हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे हो सत मुहर्रम नु पानी बंद हो गया हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे हो दस मुहर्रम दी फजर तलोए हो गई हुसैन अल्लाह जिक्र करी जा रहा ओदे अब्बास ते बाजू कटेंगे हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा ओदे कासिम दियां पसलियां टूट गईयां हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा ओदे अकबर दी लाश ते घोड़े दौड़ गए हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा ओदे असगर दे हलक च तीर लगिया हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहा ओदी निक्की जी सकीना फिरंदी है हुसैन अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे आओ पता नहीं करबला दे मैदान अंदर हुसैन नु अल्लाह दे जिक्र च किन्ना कु सुकून पिया मिल जाए कि सिर नेदे दी नोक ते चढ़िया है वो अल्लाह दा जिक्र करी जा रहे हैं हुण बोलो सुभान अल्लाह ते जे कोई नाराज ना होवे ते मैं तर्जमा करा या अय्यतुह नफ्सुल मुतमइन्ना ए हुसैन भाई हुसैन अल मुतमिन और कौन है सारी कायनात निगाहों के सामने उजड़ गई वो सिर नेदे दी नोक ते चढ़िया तो रब दा जिक्र करी जा रहा मेरी मिल्लत दे नौजवानों सामने पुत्रां दी लाश सजे पासे वीरां दी लाश खब्बे बने वीरां ते भांजियां ते भतीजियां दी लाशां ते पिछे गुलामां दी लाशां अल्लाह ना करे किसी दे घर च इक मैयत होवे ना भाई रहमतुल्लाह साहिब कुनो रात नींद नहीं आउंदी ओदे बेड़े च इकहत्तर लाशां दा ढेर लगिया ते बेगाने इक भी नहीं सारे अपने इकहत्तर लाशां दे ढेर च खलो के ते आसमान वल वेख के फिर पुछदे ने राजी है नहीं समझे ते आसान करा पुछदे ने राजी है के होर देवां तू आवाज आई
राजी है, तू राजी है। अर्ज की दिया अल्लाह मैं अकबर देखे भी राजी हूँ, मैं कासिम देखे भी राजी हूँ, मैं अब्बास देखे भी राजी हूँ, असगर देखे भी राजी हूँ, मैं मदीना छड़ के भी राजी हूँ, करबला वाला हुसैन बन के भी राजी हूँ। अर्ज की दिया अल्लाह दस तू राजी है, अल्लाह ने फरमाया इर्जी इला रब्बी की वादियत मर दिया, फरमाया अजे भी मेरी रजावा पूछने वाले आओ, तू ते मेरे नाथ मर चलिया मैं तेरे ते राजी हूँ, जेड़ा कयामत तक तेरे नाथ मर जाए मैं ओदे ते भी राजी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। वेखो करबला अंदर किड्डा खेड हुसैन ने खेड़िया है, लोको जाना दी मंडी हुसैन ला के दीन नाने दा वेखदा ही लै लिया है, आख्या अज जिहड़ी कीमत है नाने दा दीन बचेगा मैं कीमत देख के बचावांगा। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, मेरा दिल कर दे मैं तर्जमा हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कुल करवा के देवा। थोड़ा होर ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। عارفان سلطان عمدت الکاملین قطب المکملین برہان الواصلین قدوت السالکین حضرت سخی فنا فی اللہ بقا فی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ایدہ بڑا ہی مٹھا جا ترجمہ چوہدری صلاح الدین صاحب کیتا آپ ارشاد فرما دینے عشق حقیقی जिन्ना कतल मशोक दे मने वो इश्क ना छोड़न ते मुख ना मोड़न, पावें सैत तलवारा खने वल वेखना राज महीरा उते जासन उसे बने वो सच्चा इश्क हुसैन अली दा बाहो सिर देवे राज ना पन। असी जुहर की नमाज पढ़न जाइए असर तो पहले घर आ जाने, असर दी पढ़न जाइए ते मगरिब तो पहले घर आ जाने, असी मगरिब पढ़न ते इशा तो पहले घर आ जाने। पर ओदी कुदरत मंजूर सी कोई इंज दा नमाजी भी होवे जिहड़ा सजदा ते करे पर सजदे चो सिर ना उठावे। करबला विच आसमान वल वेख के आख्या उह सजदा मैं करांगा, ना किसे कीता ते ना कोई करेगा। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, कयामत नूं हर इंसान उस हालत च उठेगा जिस हालत च दुनिया तू गया सी। कैसी अजमत है हुसैन अली मुकाम दे आखिरी सजदे दी, कयामत नूं लोगां ने कब्रां च उठना है, हुसैन ने सजदे च उठना है। हुसैन सजदे च उठणगे, ऐसा साजिद कायनात ने देखे ही नहीं, ऐसी इबादत कायनात किसी ने कदे देखी नहीं। जब पुत्रां दी कुर्बानियां देखे
सारी कायनात लुटा के आखिरी वेले सजदे च सिर रख के आख्या ना सुभान रब्बिल आला ते फरिश्ते नु इन्नी आलम माला ताला मुंद दी आज खबर हुई के बागे फिरदौस च बैठ के ते सजदे करना हो रे ते पुत्र कुर्बान करके करबला दी तपदी रे ते सजदे करना हो रे सुभान अल्लाह ए वाला कद करम ना बनी आदम ए इंसान दे शरफ है फरिश्तियां दी सारी तारीख खोल के देख लो कोई फरिश्ता आज तक खुदा दे नाम तो कुर्बान नहीं होया ए इंसान दे शरफ है ओदे नाम तो पुत्र भी कुर्बान करदा है ते सजदे भी ओनु करदा है एवें नहीं वाला कद करम ना बनी आदम दा ताज इंसान दे सिर ते सजया एवें नहीं नो 18,000 मखलूकात दा सरदार बनाया गिरामी कदर हजरात ए हुसैन ते करबला दे सजदे ने या मेरा दिल कर दे मैं तर्जमा हजरत मियां मोहम्मद बख्श कोलो ना करवा के देवा चलो तुसी नहीं बोले फिर कदे करवा लवांगे थोड़ा जा हौला बोलो बार आवाज बिल्कुल नहीं जानी चाहिए हाथ ते चुकना ही नहीं मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए सदके जा सुभान अल्लाह ए तस्बीह दे 100 दाने होंदे है ना ते 100 दाने ते उत्ते एक इमाम होंदा है सामने उस्ताद बह के पहली कितार पहला बच्चा जो सामने उस्ताद बैठ के रोजाना पढ़े ओनू भी लुगत च इमाम किया जाता है लुगत के अंदर सद रुक इमाम इंसान के सीने भी इमाम किया जाता है क्योंकि यह भी इंसान के अगे अगे चलता है मिस्त्री किसी दीवार नु सीधा रखने वास्ते जड़ी वो डोरी बन दे जिन्नू पंजाबी च साल कहंदे ने लुगत च उन्नू भी इमाम किया जांदा है इंसान अपनी जमीन दी तकसीम करने वास्ते जड़ा खत लगांदा जिन्नू पंजाबी च बन्ना कहंदे ने लुगत च उन्नू भी इमाम किया जांदा है तो तस्बीह च 100 दाने ते एक इमाम आंदा है पर कदे गौर कीता जे तस्बीह दे हर दाने च धागा एक बार गुजरदा है पर ओ जड़ा इमाम होता ना ओदे चो धागा दो बारी गुजरता है तो जिन्हें मेरे साईं बाबा जी ताजदारे चूरा श्री मैनु फरमा देने आसी पुत्रा जिन्हें दुनिया दा इमाम बनना होवे ना उन्हों मुसीबतां दा धागा भी अपने विचो दो बारी गुजारना पैंदा है ते जे इन्नी औकात ते जुर्रत ना होवे फिर इमाम बनन दे दावे नहीं करी दे फिर चुप करके दाना ते मुक्तदी बन जाना चाहिए है जे इमाम बनना है ते फिर याद रखी धागा दो बारी गुजारना पैना है तर्जमा करावा मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह कोलू बेकड़ी रहमत लाला फरमा देने उठ दिला चल ढूंढन चली यार खरी नहीं मिल दे बिन तकलीफों मिल दे जो महरम बिन तकलीफों मिलते ना ही जो महरम ने दिल दे तकलीफ पहले सहना पैसी गंदम का दाना हो सारी जिंदगी कुर्सी ते रख दे उगेगा नहीं ते जे उसे दाने ने थोड़ा जा जमीन च दबा दिए ते फिर पढ़ा कुरान फिर की होंदा सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह बे मुर्शद नाल मैं कदे बोलिया नहीं मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह जिदी मां ने अल्लड़ बल्लड़ बावे दी लोरी ते पालिया चुप रवे जिदी मां दरूद दियां लोरियां ते पालिया ओ बोले सुभान अल्लाह अल्लाह ने इरशाद फरमाया मसल الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم मियां बाबर रुनी साहब मियां तो कीम साहब किबला
गंदम दा दाना जदों ए थोड़ा जा जमीन दे विच दबाया ना ते भाई रहमतुल्ला ओदे विचों निकलिया पौधा। अल्लाह फरमांदा पौधे दे उत्ते लगे सिट्टे, ते सिट्टे लगे दस, ए हर सिट्टे दे विच सौ दाना। अच्छा बीजिया किन्ना एक, ते पौधे ते लगे दस सिट्टे, ए हर सिट्टे विच सौ दाना। पर ओ दाने सौ एक दे विचों किवें निकले, जदों ओ जमीन दे विच दब गया। इंसान नूं भी फल ओदू लगदा है। सुभान अल्लाह, के दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जिंदगी च पहली बारी पढ़न लगा, बोले नहीं सुभान अल्लाह। पढ़ते होंगे सन एक शेर इत्थे, वो फरमांदे सन, जब तक आशिक, जब तक आशिक कंगी वांगू आरे हेठ ना आवे यार, सजन दिया जुल्फां ताई कदे भी अंग ना लावे। फरमांदे सन लकड़ी दी कंगी बनानी होवे ना ते कंगी नूं पहले आरे हेठां लियांदा जांदा, फिर उहनूं रंदा फेरिया जांदा है, ते फिर वह कंगी बनदी है, ते फिर महबूब दीआं ज़ुल्फां च फिरदी है। फरमांदे ने जब तक आशिक कंगी वांगू आरे हेठ ना आवे यार, सजन दियां जुल्फां ताई कदे भी अंग न लावे। पता लग्या इम्तिहान जरूरी सैयदी मुर्शदी आस्ताना आलिया चूरा शरीफ, आस्ताना आलिया चूरा शरीफ। पता लग्या कि इंसान जब फल लगना होवे ते उन्हें पहले इम्तिहान देना पैंदा है। करबला दा मैदान है ना, एक इम्तिहान सी, एक इश्क दा। बाबा बुल्ले शाह फरमांदे ने पहली पौड़ी इश्क तेरे दी पुल से राते डेरा। फरमांदे ने इश्क दी पहली पौड़ी ते बंदा कदम रखे ते इंज लगदा जिवें पुल से रात ते कदम रख दिता है। ते फरमांदे ने जिहदी पहली पौड़ी एडी डाडी है, अगलियां पौड़ियां दा की हाल होवेगा। ते हुसैन ते आखरी पौड़ी ते कदम रख के बैठा है। हैं, उन्हें करबला च फिर सारे इम्तिहान देते, पढ़ा कुरान। अज जो तुसी हौला सुभान अल्लाह बोलते हो ना, ते मेरा दिल ही तोड़ छड़ दे हो यार। मेरा दिल करदा तुसी मैनू मोबाइल ते सुन लिया करो, ते सुभान अल्लाह दा मैसेज कर दिया करो, मेरा सफर बच जाया करे। जे नहीं ते सुभान अल्लाह दियो, मेरा सियालकोट दा गुजारा करा दियो यार। मैं रात पहली तकरीर पीर महल की थी, दूसरी तकरीर मैं शोरकोट च जा की थी, मुड़ सियालकोट वापस गया। हुण मैं एक तकरीर फूल नगर करके हुण तुहाडे कोल आया। अजे मैं सियालकोट जाना, कल लाहौर ही गलबन ये जड़ा वाले, कल जड़ा वाले दो प्रोग्राम फिर मैं आना। फिर तो वेखो मेरा सफर, वेखो तो अपनी सुभान अल्लाह वेखो यार। थोड़ा होर उचा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, भाई थी बता, ला इब्राहिम रब हो بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما। इम्तिहान लिया इब्राहिम को, पांच पेज परचे ले, पांच पेपर, 120 साल जनाब दे नबी ने सारे हल कर देते। ते मैं ते तू उस हुसैन दा जिक्र करन आया, सत मुहर्रम दी फजर वेले ओ पंज इम्तिहान कठे हुसैन दी जात ते आए। उन्हें ट्यूशन मुहम्मद को पढ़ी सी, उन्हें 10 मुहर्रम दी असर नहीं आउंदी थी, सारे हल कर गए। उन्हें मुहम्मद तो ट्यूशन पढ़ी सी, उन्हें 10 मुहर्रम दी असर नहीं आउंदी थी, सारे हल करके बखा देते। उस हुसैन दा जिक्र करन लगा वा के खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है,
खैरुल बशर की आँख का तारा। अच्छा भाई पढ़ना या ना पढ़ना मोड़ खुलने वाले अपने अपने नसीबों की गल है। हाथ खड़ा करो बरा जिन्हें मेरा जिक्र हुसैन करना मिलके नहीं हाथ थले ना करे जे मैं वेखना भला खड़ा किन्ने नहीं किया। चलो नीचे कर लो तुहाडी मेहरबानी भाई शुक्रिया। हुण तुसीं पुछोगे ते साई मेरे तो बाद मियां तकीर साहब नूं किधरे भाई रहमत नूं किधरे भाई अहमद रज़ा नूं इन्हां सारे बेलियां नूं सूफी रियासत साहब नूं तुसीं पुछना है ये आसी साहब ने हाथ क्यों खड़ कराए सन भाई जे नीचे कराने सन। तो मैं गल सुनाई देवां ताकि तुहाडी तसल्ली हो जाए। ओ मिस्र दी मंडी ते बाजार च ना रश बड़ा ते माई एक मुंडिया नूं पई आखे वे मुंडियो रस्ता दिओ वे हटो वे बचो। मुंडे पूछा माई किधर पी आनी उन्हें आख्या सुनिया यूसुफ पिया वेखदा है आख्या वेखदा तो है पर तू किधर कहन लगी मैं भी खरीदना ही हाँ। मुंडा बोल के कह लगा माई तेनू पता है शाहे मिस्र का कुल खजाना ते तुल गई दौलत सारी अजे भी पला यूसुफ वाला दिसदा पिया है भारी। मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी फरमाते ने शाहे मिस्र का कुल खजाना ते तुल गई दौलत सारी। मुंडा कह लगा अजीज मिस्र ने एक पलड़े च अपना खजाना रखा ते तरकड़ी दे दूसरे पलड़े च यूसुफ बैठा है ते खजाना सारा ही मुक गया ते यूसुफ दा पल्ला अजे भी भारी हो नबी ना कौन तुले। ते उन्हें आख्या माई इत्थे ते खजाने ते यूसुफ नहीं पिया वेखदा ते तू की लेके आई है कादे ते खरीदेंगी। ते माई कह लगी पुत्र मैं घर बैठी ते ऐलान सुन के आई हूँ यूसुफ उन्हों मिलना जिहड़ा सारी दौलत लैके आवेगा ते मैं सारी लै आई हाँ। मुंडा कह लगा अम्मा तेरी सारी दौलत है किन्नी ते कह लगी पुत्र मैं 12 सिर सूतर दियां अटियां बटियां ते कतियां ते मैं सारियां ही ले आईयां। उन्हें आख्या माई इत्थे ते खजाने ते हीरे ते जवाहरात ते सोनिया ते जेवर ते ओ रेशम ते सारे पूरे कुल खजाना रख दिता है ते यूसुफ नहीं पिया वेखदा ते तेरियां सूतर दियां अटियां कौन पूछे। ते माई रो के कहन लगी पुत्र मैनूं पता यूसुफ अटियां ते नहीं वेखदे पर मेरा जी करदा जदों कियामत नूं यूसुफ दे खरीदारां दा नाम आवेगा ना जिथे खजानिया वालिया का नाम आवेगा विच अटियां वालिया का भी नाम मैं इस वास्ते हाथ खड़े करवाए सन। मेरा दिल करदा आओ रिल के सी जिक्र हुसैन करिए मैं तो करना मेरी तो साइया ड्यूटी लाइए पर मेरा दिल करदा रात गुजारी जे सारी सवेरे कमां ते भी जाना होगा खर्चा भी करके आयो जगराता भी कीता है ते खाली तुसी भी ना ना जाओ क्यों असी रल के जिक्र हुसैन करिए जदों कयामत नूं हुसैन दे उन्हां 71 आशकां दा नाम आएगा और जिन्हां करबला च हुसैन तो जान कुरबान की विच किधरे अटियां वालिआं दा नाम ही आ जाएगा। और रल के करिए भाई जिक्रे हुसैन मैं पढ़ना खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है पर जब मैं कहा ना तारा वो जड़ा हुसैन ही मां का पुत्र है ना वो हाथ जो के ए इस तरह नारा मार के कहे हुसैन है खैरुल बशर की आंख का तारा फिर बोलिया जे तारा फिर बोलिया जे तारा। तो आइए सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए खैरुल बशर की आंख का तारा है जहरा का दिल आराम दुलारा हुसैन है हर दार में हुसैन जरूरत अब वक्त की हर कौम कह रही है हमारा 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 हुसैन है हर कौम कह रही है हमारा नारे तकबीर नारे रिसालत किस किस का हुसैन है जरा उठाओ दोनों हाथ जिदा जिदा हुसैन है नाना दोवे हाथ सीधे बुलंद जिस जिस का हुसैन है दोनों हाथ उठाइए जरा बुलंद और एक बार हाथ लहराइए जैसे परचम लहराए जाते हैं लहराइए ना हुसैनी बन के दोनों हाथ लहरा लहरा के मिलके वालों नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी नाराए हैदरी। हुण बोलो सुभान अल्लाह
मेरा दिल करता अज तुहाडा सुभान अल्लाह कह के गला खराब हो जाए सवेरे को पुछे होया कि ते आखी मैं राती जिक्र हुसैन सुनया वो सुभान अल्लाह कहंदा रहा ग्रामीय कदर हजरात असी उस हुसैन दा जिक्र करने वास्ते इकट्ठे हां ए मैं अक्सर गल सुनाना तवज्जो है साढ़े पंजाब बच्चा पैदा हो ना मियाँ साहब से बाप का दिल करता है इन्हों दादा गुड़ती देवे या चाचा गुड़ती देवे है ना तो माँ का दिल करता नाना गुड़ती देवे या मामू गुड़ती देवे तो जे बेचारा चाचा भुलेखे नाल गुड़ती दे ही ले भुलेखे नाल ते बच्चा वड्डा होके शरारत करे ना ते माँ बीबी च बह के कहती है उतरा चाचे ते गया है ना ते जे गुड़ती दी हो ना मामू ने ते बच्चा शरारत भी करे ते माँ बड़ी राजी होके कहती है माशाल्लाह मामू ते गया यानी पंजाब दी माँ नू पता बच्चा गुड़ती ते जांदा है सच्ची दस जिन्हें मुहम्मद की जुबान का गुड़ती चू चूसा लिया भी उन्हें मुहम्मद से नहीं सी जाना तो होर कि फिर उन्हें मुहम्मद से जाना से ना जिन्हें गुड़ती च मुहम्मद की जुबान के चूसे ले हो सूरत भी मुस्तफा वर्गी सीरत भी मुस्तफा वर्गी एवं नहीं मेरे नबी ने फरमाया फरमाया कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन फरमाया मैं हुसैन विचू हाँ तो हुसैन मेरे बिचू है मेरी मिल्लत दे नौजवान एक दिन हजरत अमीर मुआविया ने ना मुल्क शाम तो किसी बंदे ने तोहफा दे के इमाम हुसैन को मदीने भेजा वो जेड़ा बंदा टुरिया ना वो दरवाजे को जाके मुड़ के हजरत अमीर मुआविया ने कहंदा मैं जावा तो सही तो दे भी आवागा पर मैनू मदीने जाके किवें पता लगेगा हुसैन केड़ा है हजरत अमीर मुआविया फरमान लगे मस्जिद नबी च जावे जेड़ा सारे चो सोना है ओनू दे आवे पता लगे सूरत ही मुस्तफा वर्गी आख्या मस्जिद नबी च जेड़ा तारियां दे विच चन चमकदा आवेगा ना ओनू दे आवी ओ ही मुहम्मद दा दूतरा आवेगा ओ जेड़ा सारे च सोना पता लगे सूरत नबी वर्गी ते सीरत हाय 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 इमाम अली मुकाम रजी अल्लाह तआला अन्हो दे पुत्र ज़ैनुल आबिदीन नूं जदों यजीदी मुल्क शाम दे कैदखाने च लै गए ना याद रखियो तीन महीने तक कम अज कम हजरत इमाम हुसैन ते आप दे रफ़ाका दियां लाशां करबला दे मैदान च उंज बिखरियां सन पिंड वालिया ने आके इमाम हुसैन ते आप दे रफ़ाका दियां लाशां नूं दफन कीता ते कब्रां बनाईआं पर तीन महीने के बाद जदों यजीद दे कैदखाने च इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापस आए ना पिंड वाले हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की ज़ियारत करन आए ते उन्हें अर्ज की हजूर जदों असा इमाम हुसैन दफन किया ना तो आप दे जिस्म के जख्मां के बेशुमार निशान सन पर कुछ जख्मां के पुराने निशान भी सन ओ केड़े सन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो पे आपने फरमाया जदों मदीने अद्धी रात का वेला होंदा सी ना ते मेरे बाबा हुसैन अपनी कंड मुबारक ते दाने दियां बोरियां चुक के गरीबां दे घरां च छोड़ के आउंदे सन ओ बोरियां दे निशान पै गए सन ईमानदारी नाल दसो मोर खुंडा वाले उन्हें किन्नियां को बोरियां चुकियां होणगियां जिस हुसैन दी कंड ते इतने निशान सन पता लग्या सूरत भी नबी वर्गी ते सीरत भी नबी वर्गी किरदार भी नबी वर्गा ओ जिन हां दे दरवाजे तो कदे मंगता खाली जावे ना ओ घराना मेरे नबी दा मेरी मिल्लत दे नौजवान भाई रहमतुल्ला कह रहे सन कि अज सानू मदीना तो करबला ते करबला तो मदीने लैके आयो मैं बस तुहानू जल्दी जल्दी छोड़ावां चलिए करबला बोले नहीं सुभान अल्लाह यजीद जदों तख्त नशीन होया तो उन्हें इमाम अली मुकाम नूं खत भेजा ना जदों गवर्नर मदीना नूं या मेरी बैत करो तो या फिर जंग लिए तैयार हो जो मैं इख्तिसार नाल अर्ज़ कर रहा इमाम अली मुकाम ने फरमाया मैं मदीना ते छोड़ के चला जावांगा व मन दखलहू काना आमिना मैं मक्के टुट जावांगा जिथे इंसान अमन च आ जाता है उथे ते जंग नहीं हो सकती मैं मदीना छोड़ के चला जाना ताकि यजीद किधर मेरे नाने के मदीने ते हमला ना कर दे आखिरी रात मेरे इमाम ने जड़ी मदीना ते के बाद गुजारी वो आले रसूल से बड़ी डांडी रात सी
नाने दी कबर अनवर ते हाजरी मां दी कबर ते हाजरी देख के जद टुरन लगे ना मदीने ओ काफिला इधर लोग फजर दी नमाज पढ़न आ रहे ते मदीने वाले मदीना छड़ के जा रहे नौजवानों केड़ा रंग देवा जदरे मार घरानू ज़ैनब रोंदी कर कर जारी फतना बालियो खरी बसो अज साड़ी कुछ तैयारी नले मदीने दे लोगन फरमा दिया ने सुन लो शहर मदीने दियो लोगों मैनू पिया उमर दा रोना गुड़ जद में मदीने आना मेरे नाल कोई नहीं होना जवानों जड़ वेले आंदा काफिला मदीने जा रहे हो बड़ी तफसील दबा के आत ने इख्तसार नाल अर्ज कर रहे हो सारे ने जड़ वेले इमाम हुसैन नु विदया कीता आपने मुड़ के मेरे नबी अपने नाने दे मदीने वाले वेखे आ अज कोई उमरा करन जावे 15 दिन मदीने गुजारे आवे ओदे कोल मदीना नहीं छड़िया जांदा उन्हें मदीना किवें छड़िया होवे जेड़ा पैदा भी मदीने दे अंदर नौजवान जिदा बड़े भाभी मदीने आ गए आओ जिदा हसन वीर मदीने में जिदी जारा वर्गी मां मदीने आवे जिदा मुहम्मद वर्गा नाना मदीने आवे जिदी कुल कायनाती मदीने आवे नौजवान मेरे इमाम रोंदिया मदीना छड़ के जा रहे मुड़ के फरमा देने जाती है ते ए जान हुसैन दी इसे बारी टुर जावे शाला शहर तेरे वल नाना कदे तती वाना आवे नारे तकबीर नारे रिसाल नारे रिसाल नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया करबला कशा हुसैन करबला कशा हुसैन नारे हैदरी या हुसैन या हुसैन या हुसैन फिर इमाम मदीना छड़ के मक्के आ गए कूफियां दे खत मिले मेरी मिल्लत दे नौजवानों कूफी कह रहे जल्दी 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 कूफे आ जाओ मेरे इमाम ने मक्के दे सहाबा नाल मशवरा कीता तो ना कि तुहाडे बाबा जान मौला अली ने कूफियां शहीद कीता तुहाडे भाई हसन ने कूफियां शहीद कीता मौला अली ने फरमाया कूफी ला यूफी कूफे वाले कदे वफा नहीं करदे ਕਿਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾ ਜਾਓ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਤਮਾ ਮੇ ਹੁਜਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਬੇਵਫਾਈ ਨਾ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਤੇ ਕੂਫੀਆਂ ਕੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਜਦੋਂ ਟੁਰੇ ਨਾ ਮਤ ਮੱਕਾਤੁਲ ਮੁਕਰਮਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕੂਫੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਰਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਰਜ਼ਦਕ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੂਫੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫਰਮਾ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਕੂਫੇ ਦੇ ਕਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਮ ਬਿਨ ਅਕੀਲ ਦਾ ਸਿਰ ਲਟਕਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ इमामे हुसैन ने उस रेत ते सजदा कीता उन्हें अर्ज की हुजूर मैं क्या तुहाडे भाई दा सिर मैं लटकदा बाजार च वेख के आया रो के फरमान लगे मैं रब दा शुक्र अदा करना कि लोगों ने मेरे भाई दा सिर लटकदा वेख्या गैरां दे सामने झुकदा नहीं वेख्या
उन्हें अर्ज की हजूर कूफे ना जाओ। आपने फरमाया अज मेरे सामने कोई ना आवे कादर दे हाथ डोर असाडी बाहू ज्यों रखे त्यों रहिए हूँ। नौजवानों काफिला मेरे इमाम दा टुरिया अचानक एक मैदान आया तो इमाम हुसैन दी सवारी दे पांव जमीन च धनस देने। आपने फरमाया काफिले वाले हो ऐ मेरे हवारियो मैदान दा नाम की है पिछु किसे दी आवाज आई हजूर इस मैदान नु मारिया कहंदे ने। आपने फरमाया इस मैदान दा कोई होर भी नाम है आवाज आई हजूर नु करबला भी किया जांदा है। मेरे इमाम ने आवाज देके फरमाया अकबर बेटा इत्थे खैमे लगा दे अब्बास खैमे लगा दे कासिम इत्थे खैमे लगा दे। सैयद ज़ैनब जल्दी आके कहन लगियां वीरा किथे डेरे लावां लगे ए जंगल ए बियाबान ए रेगिस्तान है सोणिया ओ सामने किसे आबादी किसे शहर च जाके डेरा लगाइए। आपने कोई जवाब नहीं दिता जोर दी नमाज दा वेला सी। फरमाया अकबर और रेत टिब्बे तक लो के अजान पढ़ अकबर ने अजान पढ़ी हुसैन ने नमाज पढ़ी ते आपने फरमाया सुन ज़ैनब तू ते कहनी है मैं जंगल च डेरे लावन लगा पर मैं इत्थे इंज दे मंगल लगा के जावांगा अकबर दी अजान दा सदका कयामत तक इत्थे अजाना होंदियां रहणगियां ते मैं इत्थे इक इंज दा सजदा कर जाना है कयामत तक इत्थे रब दी जात नूं सजदे होया करनगे। मैं उस नाने दा दोतरा जिहड़ा जोड़े पा के अरशा तो लंघ जाए ते अरशे मौला बना जांदा है मैं इस करबला तो इंज दियां कुर्बानियां दे के गुजर जावांगा इनू कयामत तक करबला मौला बना जावांगा। गिरामी कदर हजरात इमाम अली मुकाम ने जदों डेरे लगाए इक रवाज च दो मुहर्रम इक रवाज च तीन मुहर्रम नूं करबला च डेरे लग गए। उधर होर लश्कर लेके आ गया 30,000 दा लश्कर यजीद दा ते इधर 82 टोटल 82 उधर च खवातीन भी ने रसूलुल्लाह दी परदादार नवासियां भी ने सैयदा ज़हरा पाक दी बहू भी ने 6 महीने दे बाल भी ने। अज बाद लोग कहंदे ने कि हुसैन करबला च जंग करन आए। मेरा एक ही सवाल है सच्ची दस जंग करन जाइए ते 6 महीने दे असगर नाल ते नहीं लाके जाइए जंग करन जाइए 7 साल दी सकीना नाल ते नहीं लाके जाइए जंग करन जाइए ते परदादार रसूलुल्लाह दी धीयां नाल ते नहीं लाके जाइए। पता लग्या मेरा हुसैन करबला जंग करन आया ही नहीं ते जे ओ जंग करन आउंदे ते ओ पुत्तर सन अली दे किदी जुर्रत सी उस अली दे लाल दे सामने आ जांदा ए उस अली दा लाल है जेड़े मौला अली ने एक दिन सैयदा ज़हरा पाक ते मौला अली इकट्ठे बैठे अचानक बिलाले हबशी दी बारू आवाज आई मुजाहिदीन जल्दी आ जाओ हुजूर फरमा दे ने जंग ते जाना है। मौला अली जुत्ती मुबारक पहनी ते दरवाजे वल टुर पे सैयद आवाज देख के कहंदी हुजूर जंग ते चलियो तलवार ते लै जाओ। मुड़ के फरमान लगे ज़हरा तेरे अब्बे दा पैगाम है जरा जल्दी आओ ते मैं जल्दी चलिया ते हुजूर तलवार नहीं लैके जानी। मुड़ के फरमा दे ने आपे उत्थे किसे काफिर को खो के उत्थे ही वरतावांगे ते उस अली दे पुत्र सन किदी जुर्रत सी फिर अली दे लाल दे सामने आउंदा। पर आज मेरे नौजवानों आगे मौला अली दे लाल आगे करबला दे मैदान च 7 मुहर्रम नूं पानी बंद कर दिता गया पैरे लगा दिते गए दरियाए फुरात ते नहरे फुरात उत्ते हुसैन दे खैमे च पानी ना जान दिओ पानी ना जावेगा ते असकर तड़पेगा सकीना तड़पेगी पुत्र तड़पणगे बीवियां तड़पणगियां ते औलाद तड़पे ते मापे आप ही तड़प जांदे ने ते जदों हुसैन वेखेगा औलाद नूं तड़पदियां फिर ओह यज़ीद दी बैत करेगा। पर हुसैन ने फरमाया तुसा पानी बंद कीता है असा भी रोजा रख लिया सुभान अल्लाह तुसी गुनाह कमाई जाओ असी सवाब कमाई जाने हैं। मेरी मिल्लत दे नौजवानों 9 ते 10 मुहर्रम की दरमियानी रात आ गई मुज़ाकरात हो रहे नाकाम हो गए अद्धी रात तो रात ढल भरी तवज्जो है। हजरत जी मेरे इमाम इब्ने कसीर ने लिखा कि अपने खैमे के बाहर बैठ के इस तरह तलवार पे साफ कर दे रहे अरबी दे शेर पे पढ़ दे अरबी दे शेरां च फरमा रहे जा नहीं दुनिया जिदे नाल लगाई आ ओदे नाल ही बेवफाई कीती आ मैं हुसैन तेनूं छड के टुर चलिया तो दुनिया है ही बेवफा है। इतना फरमा के तलवार साफ हो गई ते आपने तलवार दे दस्ते ना इस तरह करके सर दा टेक लगाई नींद दी ओ गई एक झटका लगया ते इंज लगा जिवें मदीने दी ठंडी जी हवा आई है मुड़ के वेख्या ते हवा मदीने दी नहीं बल्कि सैयदा ज़ैनब अपने दुपट्टे नबी नूं हवा पिया दे दिया ने
वफादार बहन जिन्हें पुत्र ही वीर तो कुर्बान कर दिते हवा पे देवे। मेरे इमाम ने उठ के तो सैनब नु सीने लाया। सैनब फरमा दिया जड़ी मां का तू दुध पीता ना उस मां का मैं दुध पीता है एडे दर्द के शेर क्यों पे पढ़ना है। तो रो के फरमा दिया ने सोने मैनु सच्ची दसी आ जदू तलवार ने झटका नींद लगा होया कि सीने ला के फरमा लगे जदू झटका नींद लगे तो मैं ख्वाब च अचानक नाने की ज़ियारत की क्योंकि मैं आज सवेर दा ही प्यार दा करदा सा ना ना जे गुलामा नु आके खाबा च मिल सकदे हो ते दोतरे नु नहीं मिल सकदे ते मैं वेख्या मैं छोटा जा बच्चा ते नाने दी गोद च पिया खेलना ते नाना जान प्यार करके फरमा रहे ने पुत्रा सवेरे 10 मुहर्रम दा दिहाड़ा ही ते अकबर दी लाश चुक दे किधरे रोवी ना ते पुत्रा असगर नु दफन कर दे किधरे रोवी ना। फरमाया मेनू इंज लगदा अज आखरी रात ओए दिहाड़ा सवेरे आउण वाला है जिदियां बशारतां अज तू अरसा दराज कर ले नाना मुस्तफा ने मदीना तैयबा दितियां। गिरामी कदर हजरात सैयदा ज़ैनब फरमादियां वीरा आज आखरी रात है। फरमाया हां ज़ैनब आज आखरी रात है। उस बहन दा मक्की तुहानू तखय्युल अर्ज करा जिन्हें पता लग जाए कि हुसैन वर्गे वीर की आज आखरी रात है। रो के फरमादियां आ जा फिर मेरे खैमे च बह जा आज अधी रात दो में बहन ते भाई रल के गुजार लेंगे। सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन खैमे च लै गई सामने बिठाया इमाम हुसैन कुरान दी तिलावत कर रहे ते ज़ैनब ने अख हुसैन दे मुख ते रखी और चेहरा हुसैन दी तिलावत करी जा रही। जो जो रात गुजर रही ना ज़ैनब दा कलेजा कंबदा ज़ैनब दा कलेजा कंबदा नौजवानों जड़ पहले रात गुजरती जा रही सैयदा ज़ैनब कदे इमाम हुसैन वल कदे रात या तेरे वल वेखदी हो जड़ पहले रात गुजरती जा रही गुजरती जा रही आसमान वल वेख के फरमांदियां ने इशाला रात मुहर्रम वाली इसे बरियादी थी वे रात मुके ना दिन चढ़े अजे मेरा वीर जुदा ना थी वे नौजवानों जड़े वेले फजर दिया जाऊं दा वेला आयो आओ इमाम हुसैन ने फरमा अकबर बेटा अदान ने फजर पढ़ अकबर ने अदान ने पढ़ी मेरे इमाम ने जमात कराई नौजवान होर ने भी आके मेरे इमाम दे पीछे नमाज़ पढ़ लिया नौजवान फजर दे बाद जे निका निका दे राय इमाम ने फरमाया अकबर पुत्र आओ मेरी पहुंच दा सिपा सलारे जा पुत्रा जरा मैदान जे हाओ दा जायजा लेके आओ अकबर गए थोड़ी देर दे बाद चीखा मार के रोंदे आ गए मेरे इमाम ने पुत्र नु सीने नाल लाया फरमाया रोना क्यों है अर्ज की बाबा मैं गया करबला दे मैदान च देखया एक चिट्टी चादर वाली माई नाले करबला दी रेत नु साफ कर दी है नाले रोड़े ते दिन के पहचुन दी है माई इस दर्द नाल रोंदी है मैं पूछया माई कौन है क्यों फिर रोनी है अर्ज की बाबा माई ने जवाब नहीं दिता ओदा रोना दर्द वाला सुन के मैं रोना आ गया इमाम हुसैन भी जारों की जार रोने लगे पे फरमाया पुत्रा पता यो माई कौन है अर्द की थी बाबा मैं नहीं पहचाने आओ फरमाया मेरी माँ फातिमा है जद मदीने उठ रहा सा माँ की कबर दे गया अम्मा ने कबर चू फरमाया से पुत्रा मैं वादा करनी जद करबला दे मैदान च घोड़े तू डिगेगा तेनों मैं जमीन ते नहीं डिगन देवगी थले जरा भी जोली होगी अज मेरी माँ रोड़े चुनने आई करबला दी रेंद साफ करने आई मेरे पोतरिया पुत्रिया डिगने मेरे पुत्र ने डिगने किधरे जख्मा च कोई रोड़ा ना छुप जावे नौ जवानों में खेड़ा रंग देवा मावा वाले जद गोदी लेटन ते मिल जाए कुल खजाना पर मावा बाज मुहम्मद बख्शाओ ये सारा जग वीराना
नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया फिर वारो वारी सारे टुर गए मुड़ बार हुसैन दा आया असगर नूं दफन करके जदों आए ना इस तरह करके झोली छाड़ के मदीने वल वेख के फरमाते ने इन्नल तैयारे हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फीहा नबीयल मुहतरम फरमाते ने हवाए जे तेरा मदीने चो गुजर होवे तो मेरे नाने नूं आखी सोहणिया बाद पूरे हो गए नहीं तू मेरे तो एक पुत्र कुरबान किया सी मैं तेरे तो आवे सारे कुरबान कर दिते इमामे हुसैन खैमे दे अंदर आए ना ते आपने इस तरह करके एक जुब्बा पहनिया बीबी ज़ैनब पुछदियां वीरा जुब्बा केड़ा है आप फरमाते ने हजरत अमीर हमजा दा जुब्बा है कबर च पटका बदया ते बीबी पुछदी है वीरा ये पटका केड़ा है फरमाया मेरे भाई हसन दा पटका है जीरा हजरत जाफर तैयार दी तलवार मौला अली दी ते जदों दस्तार बनी ते नन पुछदियां बीबी जान वीरा ये दस्तार केड़ी तेनूं बड़ी सजदी है फरमाया बीबी वो दस्तार जड़ी बन के नाना मेराज कर गया से फरमा दिया मत्था चुम के एडा सोना पिया लगना इंज लगता कि मैं मेरा नाना मेराज कर चले जा कोई इनो इनो फलसफा ना समझे ते अफसाना ना समझे हयात खफी दे अंदर लिखे है ये तो इमाम हुसैन सज सजा के खेमे चो निकले सन ना ते यजीदी दौड़ गए इब्ने साद ने पूछा सी दौड़ दे क्यों ते उस वेले हुसैन दी सूरत इन्नी नाने नाल पे मिलदी सी कि यजीदी आख्या सी इंज लगदा जिवे मुहम्मद मुस्तफा मदीने तो दूतरे दी मदद करन वास्ते आ गए ने मेरी मिल्लत दे नौजवानों इमाम हुसैन जदों खेमे चो निकलन लगे ते कोहराम मच गया सैयद ज़ैनब अपने पुत्रां दी लाशां ते लिटके फरमा दियां वे मेरे आउं ते मुहम्मद उठो मामू टुर चले जाए उठो वे मामू नूं रोक लो मैं फरवा फरमा दियां कासिम पुत्रा उठ चाचू नूं रोक ले चाचू टुर चले मैं लाला फरमा दियां अकबर पुत्रा उठ वे पुत्रा मेरा वेख बाबा हुसैन तुर चले नहीं खैमे खाली हो चले नहीं हजरत बीबी शहर बानो ज़ैनुल आबिदीन नु फरमा दिया उठ वे मेरे बीमार पुत्र खैमे चु बाबा चले नहीं बाबा नु रोक ले मेरी मिल्लत नौजवानों मेरे इमाम ने मुड़ के वेख्या ते कोहराम मच गया फरमाते ने तसलियां दे के फरमाते ने अजे ना रोवो मेरे हौसले पस्त नहीं होने बीबी ना रोवो अजे रोण दे बड़े वेले आने ने जदों मेरी शकीना ने मेरी खाली सवारी वेख के बाबा बाबा कह के रोना उदू रो लिया जे फरमाया जदों मेरी लाश ते घोड़े दौड़े उदू रो लिया जे फरमाया जदों खैमियां नूं अग्गां लग गईआं उदू रो लिया जे जदों शकीना दे कन्नां दीआं वालियां भी यजीदी खो के लै गए उदू रो लिया जे फरमाया जदों ज़ैनुल आबिदीन नूं बेड़ियां पईआं उदू रो लिया जे यजीद दी जेल च जदों अद्धी रात वेले सकीना रो के कहना बाबा जल्दी आओ मैनूं नींद नहीं आउंदी उदों सुन के रो लिया जे नहीं ते जदों मदीने लटे अपटे काफी ला जावे ते नाने दी कबर ते जाके रो लिया जे फरमाया रोण दे बड़े वेले आउणे ने मेरे इमाम दूल्हा बन के करबला दे मैदान वल टुरे ना अचानक आवाज आई हुजूर अम्मी दा वास्ता अजे ना जाया जे ते आवाज हजरत बीबी उम्मे रुबाब दी मुड़ के फरमा मैनू क्यों बुला रही अर्ज कीती हुजूर आ वेखो सकीना बेहोश हो गई सत साल दी बेटी मुड़ खुंडा बालियो ओ बच्ची मदीने दी शहजादी सी उत्थे कुल कायनात दी शहजादी ओ बच्ची जिन्हें दुख कदे वेखे ही नहीं ओ जिन्हें सफर कदे कीते ही नहीं सन उस सत साल दी बच्ची मदीने पैदल टुरी ते मक्के आई ओ नहीं रोई हजरत जी ओ बच्ची मक्के तो टुरी ते करबला आई ओ नहीं रोई उन्हें सत मुहर्रम नु पानी बांध भोकया वेख्या पर ओ नहीं रोई दस मुहर्रम नु चाचे दे बाजू कटदे वेखे ओ नहीं रोई ओदे अब्बास वर्गे चाचे दे बाजू कटे नहीं रोई अकबर वर्गे वीर दी लाश ते घोड़े दौड़े बच्ची नहीं रोई कासिम दीआं पसलियां टुटदियां वेख के नहीं रोई असगर टुर गया नहीं रोई पगूड़ा खाली वेख के मां नूं खश पै जांदे पर ओ बच्ची नहीं रोंदी क्यों नहीं रोंदी इस वास्ते नहीं रोंदी उहनूं पता सी मैं बाबा दी लड़ ली हां जे मैं रोई ते बाबा रो पैणे ने ओ नहीं रोई उहने ज़ब्त करके रख्या पर जदों बाबा टुरे ना ते बच्ची दे ज़ब्त दे बंधन टुटदे सारे बच्चे चीख मार के मां की गोदी च बेहोश हो गए
चोरी साहब लाहौर के एयरपोर्ट से जवान बच्ची बेहोश वेखी लोग पानी अलम साहब पिला रहे मैं पूछे बच्ची नु की होया क्या लगे आसी साहब दा अबू दुबई टुर गया उन्हें दो साल बाद उन्हें बच्ची बाबा जानता वेख के बेहोश हो गई अख्या धीए तेरा ते बाप ने दो साल बाद आ जाना फिर भी रोनी है ओ किवें रोई होवेगी जिन्हों पता सी बाबा आना ही कोई नहीं मेरे इमाम सकीना नु गोदी च लैके तसल्लियां दे रहे फरमाया उठ सकीना ती इंज नहीं करीदा उठ बाबा वेख ले सारी जिंदगी बाबा बाबा कहेंगे बाबा नजर ही नहीं आने सकीना नु होश नहीं आ रहा तिया वाले हो इन तिया नु प्यों ते बड़े ही मान होते जे बड़ी ईद गुजरी ना बेटिया छोटिया हो भावे जवान हो वीर तू कपड़े नहीं मंगदिया ईद आ जाए तो कहदियां बाबा मैनू कपड़े लै दो क्योंकि तिया नु पता होंदा वीर इनकार कर लेंदे ने बाप तिया नु कदे ना नहीं करदे भाई अज भी कोई बच्ची पल्लू पकड़ लेवे ते बाप छुड़ांदा ही नहीं इन्हां तिया नु प्यों ते इंज दे मान होंदे ने कोई भाई बहन झिड़क मार देवे ना ते वडेरा जा बाप तरफ के कहंदा खबरदार मेरी धी नु कोई झिड़क ना मारे कि तुहाडा कुछ नहीं खांदी है ते प्यो अजे जिउंदा है उस वेले तिया दे मान प्यों दी जात ते वध जांदे ने कदर पुछनिया ने जा किसी गती बच्ची को बाप की कदर पूछ यार कोई किसी के बच्चे थप्पड़ मारे तो बच्चा कहते मैं अबू नू दसांगा पर यतीम नू को थप्पड़ मार दे तो किनू दसे बेहोश ते मेरे इमाम होश करा रहे शिमर दी आवाज आई हुसैन बाहरा मेरे इमाम सकीना नू ज़ैनब दी गोद च रख के फरमाए मैं चलिया मेरी सकीना नू रोन ना दे आ जाए आप रोंदे निकले सवारी ते बैठे सवारी टुरदी नहीं फरमाया क्यों नहीं टुरता घोड़े मुड़ के खेमे वल वेख्या मेरे इमाम जद खेमे वल वेख्या लोगों कलेजा फट जाता है सकीना नू होश आ गया उस सैयदादी पर्दादार खेमे चो तो नहीं निकल सकती पर उन्हें खेमे दे ओठ च जिन्हां इंज निके निके हाथ जोड़े ने ते सकीना रो के भई आखदी है बाबा अजे ना हो जाया कहंदी है बाबा सकीना मर जाएगी नले रो के कहंदी है वे घोड़े आया जे ना जाई मेरा चाचा आया बांस लेके गया नहीं आया मेरा वीर अकबर गया नहीं आया अजे मेरा असगर नहीं आया बाबा लेके ना जाई अजे ते मैं बाबा रज के बैठी नहीं मेरे इमाम सवारी तू जमीन ते आ गई सकीना नु सीने नाल लाया फरमाया नहीं सकीना निधिये चुप कर जाओ इंज नहीं करीदा उन्हें निके निके हाथ जोड़ ले कह लगी बाबा परदेसा विच ले आके तिया नाल भी इंज नहीं करीदा फरमाया सकीना रो ना दीदी मैं पानी लैके आना उन्हें घोटे के जब फवार ले आओ कह लगी बाबा ना जाया जाए मैं पानी बगैर रह सकनी हूँ मैं बाबा बगैर नहीं रह सकती कह लगी बाबा अबू किनू आखागी किदे नाल मदीने जावागी बाबा किदे सीने ते सवागी फरमाया नहीं सकीना अपनी अम्मी नाल सो लई कह लगी अम्मी ना ते असगर सौंदे फरमाया बदिए ए मदीने दियां गल्लां ने निकर भला दे कानून बदल गए हुण तू अम्मी नाल सोया करेगी असगर कयामत तक मेरे नाल सवेगा निके निके हाथ जोड़ के कह लगी बाबा ये जाना बड़ा ही जरूरी है जांदियां दस जाओ यतीम किन्नू कहंदे ने फरमाया सकीना क्यों पूछनी है कह लगी बाबा खेमे च सारे पे आखदे ने सकीना यतीम चली है फरमाया नी सकीना निजी दा बाप मर जाए ओ बचा यतीम दई
सकीना गप्पा मार के कहन लगी बाबा यतीम ना करे आज बाबा यतीम तेनु करा छुबे के रोते बाबा यतीम दीवार न लग जाते बाबा यतीमा नु पुछदा ही कोई नहीं कहन लगी बाबा यतीम जड़िया धिया हो जांदियां ने उते भी रख लियांदियां ने ना किथे जावांगी मेरा वीर भी कोई नहीं आज समां दियां हुरा रो रहियां ए धरती लड़दी ए तारे रोपे ते कंब गया अरश दा सीना बाबा बाबा कहंदी कहंदी जद रोपे पाक सकीना फरमाया जनब बारे आओ सकीना नो खेमे जिले जाओ किधरे आसमान फटके जमीन ते ना आ जाई सैयदा दानो खिंच के सीने नसलियो तारे आओ सकीना कहन लगी पप्पी अम्मा दो गड़िया बाबा वेख लैन दे तेनु वीर नहीं लभनो मैनु बाबा नहीं लभना सैयदा दानो खेमे नले फरमा दिया ने शाला मरन ना ओए वीर किसे दे ए ना होन ने मानियां बैनवा जिस बैन दाओ वीर न कोई उसकी दुनिया तो लेना सकीना नु रोंदा छड़ के जाना को सुख बस आखिरी वेले इना फरमा सकीना जद कदे जिंदगी च ठंडा पानी पीवे ते बाबा नु याद करया कर फिर सार जिस्म हुसैन सखी दा तीरां नाल परोता फिर भी सैयद रेत तती ते नीत नमाज खलोता मेरी मिल्लत दे नौजवान आखिरी वेले सजदे आखिरी वेले सजदे विच सिर कुर्बान कीता ताकि मेरे ते तेरे तक नबी दा कलमा पहुंच जावे आ मस्जिद च अजान हुंदी रवे तेरे ते मेरे तक मुस्तफा दा कल कलमा ते दीन पहुंच जावे हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिता अल्लाह फरमाया अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकि राजियतन मर्दिया फरमाया इत्मीनान वाली जान लौट आ अपने परवरदिगार दे आलम बारगाह च इस हालत कि तू ओदे ते राजी है ते ओ तेरे ते राजी है अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाजरी कबूल फरमाए आमीन।